नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सांसद की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 2500 जवान तैनात, सांसदों की पहचान पार्लियामेंट सिक्योरिटी करेगी। नई सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहला सत्र 24 जून से और राज्यसभा का पहला सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की पहली बार तैनाती की गई है। संसद की सुरक्षा करने के लिए सीआईएसएफ के पास अभी तक लिखित आदेश नहीं आए हैं। इसके बावजूद सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ ही संभालेगी। संसद भवन में प्रवेश करते वक्त सांसद और मंत्रियों की पहचान करने और उनके प्रोटोकॉल में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसे देखते हुए सीआईएसएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के टॉप अधिकारियों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संसद भवन में सीआईएसएफ के 2500 जवान तैनात, सांसदों और मंत्रियों की पहचान करने का काम सीआईएसएफ नहीं करेगी। पहले की तरह ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों के ही जिम्मे होगी। फिलहाल संसद भवन की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 2500 जवान तैनात हैं, इनमें कमांडो भी शामिल हैं। सीआईएसएफ की तैनाती के बाद से दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ को यहाँ से हटा लिया गया है। संसद सत्र के पहले दिन कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसे देखते हुए सीआईएसएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उन गेटों पर तैनात होंगे जहां से सांसद और मंत्री प्रवेश करेंगे। सांसदों के पास स्कैन नहीं, एक अधिकारी ने बताया कि संसद भवन में प्रवेश करने से पहले किसी भी सांसद या मंत्री के पास कोई स्कैन नहीं किया जाएगा। एंट्री गेट पर पहले की तरह ही उन तमाम सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो पहले भी नई सरकार बनने के बाद तमाम सांसदों और मंत्रियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए अपने काम को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले की तरह ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालेगी, जबकि थाना कार्यवाही का मसला अभी की तरह दिल्ली पुलिस ही देखेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।